देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। आज सिवान जिले से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक खबर सामने आई है। अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान लौटने वाले हैं। शहाबुद्दीन जेल से सीधे सिवान जिले के प्रतापपुर गांव स्थित अपने घर लौट सकते हैं। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी हीना साहब ने किया है। एक चैनल के साथ खास बातचीत के दौरान हीना साहब ने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पैरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कोर्ट से उम्मीद है कि वे जेल बाहर आएंगे। 3 नवंबर को पैरोल पर सुनवाई की तारीख है। उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक पैरोल की प्रक्रिया को शहाबुद्दीन पूरी करते हैं तो 8 बातों पर पैरोल मिलती है, जिसमें माँ पिता की मौत हो या बीमारी गंभीर हो, या पत्नी भाई और बच्चों की भी मौत या गंभीर बीमारी होती है तो पैरोल हर कैदी का अधिकार है। खुशी में भी पैरोल मिलती है। यह अधिकार सज्जफाता और बिना सज्जफाता दोनों की तरह के कैदी को मिलती है। यहाँ बता दें कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन का पिता का निधन हुआ है। शहाबुद्दीन के बेगम ने बताया कि साल 2016 में शहाबुद्दीन को 14 साल बाद हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद घर लौटे थे। इस बात की खुशी थी जिसके चलते जश्न का माहौल दिख रहा था। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन कॉलेज के वक्त से ही राजनीति और लोगों की खिदमत में लगे रहे, इसलिए वो लोगों के लिए खुशी का पल था। इसलिए उस वक्त उनकी रिहाई पर सभी लोग उसमें शामिल हुए थे, जिसमें लंबा काफिला हो गया था। लेकिन इस बार अलग बात है। इस बार परिवार की परेशानियों से गुजर रहा है। एक ही साल में 3-3 हादसे हो गए, इसके बाद ही पैरोल नहीं मिला। लेकिन इस बार उम्मीद है कि पिता का 40वां फातिया के नाम पर पैरोल मिल जाए। यह फातिया 27 अक्टूबर को होना था, लेकिन घर में कोई गार्जियन नहीं होने के चलते इसे आगे बढ़ाया गया है। अब घर के बड़े वही बच्चे हैं। फातिया घर के गार्जियन के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए उम्मीद है कि उन्हें पैरोल मिलेगी। हीना साहब ने बताया कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त परिवार में गम का माहौल है। पिछली बार भी जश्न नहीं था, उनसे मिलने वाले का हुजूम था। इस बार भी कम से कम जिले के लोग चाहेंगे कि उन्हें एक नज़र देख ले, उनका हालचाल पूछ ले और उन्हें अपनी हालचाल बता दे। हीना साहब ने बताया कि तेजस्वी यादव से लगातार बातचीत होती है। उनका जब भी सिवान का दौरा होता है तो जरूर घर पर वो आते हैं। हीना साहब ने बताया कि अभी उनके बच्चे की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बस अपने विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों और अपनों के बीच आना जाना हो रहा है। वह फिलहाल हरिशंकर दादा को जीत दिलाने की कोशिश में जुटा है। अभी तो ओसामा का शिक्षा भी जारी है। राजनीति में आना या ना आना उनका अपना फैसला होगा। मालूम हो कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन का केस बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद फरवरी 2016 में शहाबुद्दीन को बिहार से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। तब से पूर्व सांसद यही कैद है। साल 2004 के तेजाब कांड समेत कुल 37 मामलों में शहाबुद्दीन आरोपी है और उसी के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। सितंबर 2016 में उन्हें पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद से वो बेउर जेल में बाहर आते ही नीतीश सरकार के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए थे। इसके बाद बिहार सरकार हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी थी और तिहाड़ भेजने की आदेश दिया था। पूर्व सांसद के चाहने वाले में खुशी का लहर छा गई है। बस अपने साहब को एक झलक दीदार करने के लिए व्याकुल है कार्यकर्ता।